जैसा कि कोरोना महामारी उत्तराखंड में बड़ा रूप लेती जा रही है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने इसको काबू करने के लिए वृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो और यहाँ पे बतौर वॉलंटियर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल शर्मा जी हैं। मुकुल शर्मा जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये राधा स्वामी सत्संग भवन जो कि व्यास में स्थित है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है और समाज की सेवा करने के लिए लास्ट लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बाबा जी को रिक्वेस्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि वो हमें अपने जो आश्रम है, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत पंडाल है और बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये दिया जाए और बाबा जी को रिक्वेस्ट करके बाबा जी ने कोविड सेंटर के लिए और जो भी हेल्प वो कर पाते हैं उन्होंने किया था। और 10,000 लोगों का आइसोलेशन सेंटर व्यास में बनाया गया है जहाँ पर कोई भी वर्क का बंदा वहाँ पहुँच सकता है। सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं जो कि मेडिकल सुविधाएं हैं, इसके अलावा जो भी खाना पीना रहना उनका वहाँ पर है। कल से ये कैंप यहाँ आरंभ हुआ है। 5,000 के आसपास वैक्सीनेशन गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को और जो भी यहाँ पर आएंगे उनको लगनी है। माननीय DM महोदय ने कल यहाँ निरीक्षण किया था, उन्होंने बहुत अच्छा उसको पाया। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने इसको इनॉग्रेट किया और बहुत सारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद थे, बहुत सारे तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद थे और बहुत इसको अप्रिशिएट किया गया। अभी तक लगभग 200 वैक्सीनेशन यहाँ लग चुकी हैं और पूरे सेवादार, तो राधा स्वामी सत्संग भवन जो बहुत बड़ा मंच है, आध्यात्मिक मंच है, उसके सेवादार लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और जो समाज की सेवा होती है वो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो देखने को यहाँ मिल रही है, मैं भी 2-3 दिन से यहाँ पर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सफाई है, बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है और बहुत प्यार से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन है, उनको वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे से लेकर 40-45 मिनट बैठाया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनसे डॉक्टर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूछ भी रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इवन फीवर आएगा तो पैरासीटामोल भी दी जा रही है। तो ये तमाम सुविधाएं हैं जो इस आध्यात्मिक मंच के माध्यम से समाज को दी जा रही है। जैसा कि देहरादून के हरिद्वार रोड पर स्थित है राधा स्वामी सत्संग भवन और 5,000 वैक्सीनेशन का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। 200 वैक्सीनेशन लग चुके हैं। आप लोगों को भी अगर वैक्सीनेशन कराना है तो 18 से 45 साल के लोग यहाँ पे आके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। क्या प्रोसेस अपनाई जा रही है, लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले क्या कराना होगा? देखिए, वो अपने ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत ईजी है, जो कि 30 सेकेंड का काम है, अपने आधार कार्ड से उसको लिंक कर दें और वो भी अगर नहीं करा पाते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं जो उनको हेल्प करेंगे। उसके बाद एक पूरा सिस्टम है, चैनल है कि आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बैकग्राउंड में कुछ आपको डिसीज़ तो नहीं हुआ है, लास्ट लाइट में आप कैसे सोए हैं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रेग्नेंट महिलाओं जैसे नहीं लगना है, कुछ कैंसर पेशेंट्स को नहीं लगना है, बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं, काउंसलिंग काइंड ऑफ। उसके बाद फिर उनको वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वैक्सीनेशन की जा रही है, उसके बाद फिर उनको आधा घंटे से लेकर 40 मिनट बैठाया जा रहा है और बात की जा रही है आप कैसा फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं और कोई समस्या है तो हमारे पास एम्बुलेंस भी है यहाँ पर, डॉक्टर्स भी, सुविधाएं भी हैं और इस एक घंटे के प्रोसेस में लोग बहुत खुश हैं, प्रॉपर तरीके से अपना वैक्सीनेशन करने के आ सकते घर जा रहे हैं। उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो इसके लिए ज़रूरी है आप वैक्सीनेशन करवाएं। और उत्तराखंड की नौनी या मैं अभी यहाँ पे पहुँच के वैक्सीनेशन करा चुकी है और अगर किसी तरह का भय आपके मन में है तो डरिए मत, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है, कोरोना से अगर मुक्ति पानी है तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर मुकुल जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की नौनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत गत वर्षों से मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड की नौनी, उत्तराखंड के जो बहुत होना लोग हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, समाज की सेवा में समर्पित हैं, उनके साथ मिल रही है, एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म हमें को देखने को मिला है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से उत्तराखंड की नौनी को, उनके सभी ग्रुप के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार काम करते रहें और बने रहें उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।